हेलो गाइस, नमस्ते। तो सबसे पहले आपको हैप्पी होली आप सभी को। तो आज हम बनाने वाले हैं गुजिया, वो भी बिना मेवे के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने जो है आधी किलो के करीब मैदा ले लिया है, और यहाँ आप घी देख रहे हैं, मैंने इतना घी लिया है। और थोड़ा थोड़ा करके हम घी डालेंगे, मिक्स करेंगे, अभी हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो घी है, हम अच्छी तरीके से मैदे में अच्छे से मसल लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा घी फिर से दोबारा से डालेंगे। और अभी हम पूरा घी नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसे ही हम मसल मसल के अच्छी तरीके से घी मिक्स कर देंगे मैदा में। इससे ये होगा कि जो हमारी गुजिया है वो बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनेंगी और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो यहाँ देखिए, घी को अच्छी तरीके से मैदा में मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा घी अभी और यूज़ कर रही हूँ, तो अच्छे तरीके से घी यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पानी देख लीजिए, मैंने इतना लिया है, ये एक गिलास के करीब है पानी। तो अब हम अच्छे तरीके से आटा गूंद लेंगे, और हमें जो आटा है, गुजिया का जो आटा है, वो हमें थोड़ा सख्त गूंदना है, पतला आटा नहीं गूंदना है। तो यहाँ हमारा जो है आटा गूंदकर तैयार है। अब हम थोड़ा सा फिर से घी लेंगे और अच्छे तरीके से फिर से इसको मिक्स कर देंगे, और एक दो बार मुक्की मुक्की मारेंगे और अच्छे तरीके से सेट कर देंगे इसको। तो यहाँ देखिए, जो घी था जो हमारा अच्छी तरीके से और मिक्स हो गया है। अब हम एक बाउल लेंगे, और उस बाउल में हम आधा घंटे के लिए मैदा को रेस्ट होने के लिए रख देंगे। ये ध्यान रखिए, हमें जो मैदा है वो अच्छे से कवर करके रखना है, कहीं से भी हवा नहीं लगनी चाहिए आटे में, नहीं तो जो है मैदा में पपड़ी जम जाएगी और हमारी गुजिया जो है अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ मैंने जो है आधी कटोरी के करीब घी ले लिया है, और इसके बाद हम सूजी डालेंगे अपनी। यहाँ मैं जो है उसी घी की कटोरी से ही एक कटोरी भरकर सूजी डाल रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम जो है मैंने इस टाइम मीडियम कर रखी है। धीरे धीरे भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। तो यहाँ देखिए, जो हमारी सूजी है बिल्कुल कलर चेंज कर चुकी है। अब जो है हम गैस की फ्लेम को जो है ऑफ़ कर देंगे, और इसको ठंडा कर लेंगे थाली में या किसी भी परात में, तो जिसमें मैंने आटा गूंदा था बस उसी में मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, जो हमारी सूजी है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसमें हम एक कटोरी भर कर हम जो है बूरा डाल देंगे। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, और मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ जो है मैंने एक छोटी कटोरी कोकोनट डाला है, वो बिल्कुल घिसा हुआ डेसिकेटेड कोकोनट होता है, वही डाला है। इसके बाद थोड़े से मेरे पास काजू किशमिश रखे हुए थे, बादाम, वो डाल दिए मैंने। अब इसके बाद जो हमारा आधा घंटा हो चुका है, अब आटे में से हम थोड़ी थोड़ी लोई निकालेंगे, और 6 लोई निकाली है मैंने यहाँ पर। अब इनको हम फ्लैट सरफेस पे जो है रोटी की शेप में, पूरी की शेप में जो है बेल लेंगे। और यहाँ जो है मैंने गुजिया के लिए यहाँ पर एक मैंने सांचा लिया है। इसके बाद हम इसमें हम एक चम्मच के करीब ही स्टफिंग डालेंगे। ये ध्यान रखिए, स्टफिंग हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, ज़्यादा डालने से ये होगा कि ये बंद नहीं होगा, और गुजिया जो है जो स्टफिंग है वो बाहर निकल आएगी। अब इसके बाद हम चारों तरफ से हम गीले पानी से गीला कर लेंगे आटे को, ताकि जो है ये आटा जो है जब हम बंद करें अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखिए, बस आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद हमें साइड में जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा आटा जो निकाल लिया है, और इसके बाद देखिए, जो हमारी गुजिया है, पहली गुजिया बिल्कुल तैयार है, कहीं से भी कटी हुई नहीं है, और बहुत अच्छी तरीके से बंद है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी बना के दिखा रही हूँ। यहाँ जो है मैंने मैदा का जो पूरी है वो ले ली है, उसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। एक चम्मच स्टफिंग भरी है मैंने इसमें, और इसके बाद चारों तरफ से हम आटे के गीले हाथों से, उंगलियों से चारों तरफ से लगा देंगे, और अच्छी तरीके से सावधानी से हम बंद कर देंगे। अच्छी तरीके से थोड़ा दबाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है आटे का वो निकाल देंगे। तो ये देखिए, हमारी जो गुजिया है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम अपनी जितनी भी लोई हैं, जितनी हमने पूरी बेली है, उन सब की हम इसी तरीके से गुजिया बना लेंगे। यहाँ जो है हमारा
रिफाइंड ऑयल या आप तेल यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। और यहाँ हम एक एक करके सारी अपनी भुजिया जो है डाल देंगे। तो ये जो हम भुजिया बना रहे हैं बिना मेवे के बना रहे हैं, और सच मानिए बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। आप भी एक बार ट्राई करना। तो मैंने एक बार में छः भुजिया डाल दी हैं, और जो फ्लेम है एक बार तेज़ थी, अब मैं बिल्कुल मीडियम कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए हमारी भुजिया जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है और रंग भी चेंज हो चुका है। अब धीरे धीरे हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी बाकी जो बचे हुए आटे की हैं उनकी इसी तरीके से भुजिया बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो सारी भुजिया हैं बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आप भी ऐसे बना सकते हैं और काफ़ी दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, जल्दी से ख़राब भी नहीं होती हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को